Assalamu alaikum, students. How are you all? Hope you all are fine and uh, safe at your home. This is our science lecture, and uh, we have done our unit number one. Now we're going to start our next chapter, that is unit number two, health and safety. Let's start the chapter.

पहले से पढ़ चुके होते हैं और वो उसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर रहे होते हैं उसको एक दफा अपने माइंड में दोबारा से वो बातें याद कर रहे होते हैं सो वट वी आर गोइंग टू रिकॉल वी शुड बी अवेयर ऑफ डेंजर डेंजर्स वैन वी आर नियर टू एनिमल्स और वाटर हमें पता होना चाहिए हमें अवेयर होना चाहिए जब हमारे आ, कोई डेंजर हो हमारे करीब मतलब हमें अपने इर्द गिर्द कहीं पर कोई डेंजर फील हो रहा हो मीज़ हमारे करीब कहीं एनिमल हो या वाटर हो तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये जगह डेंजरस है नेक्स्ट इज वी शुड वॉश आर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हमें खाने से पहले और पानी पीने से पहले कुछ भी पीने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए जैसे कि आजकल आप देखिए कोरोना आ, है कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन है तो उसमें आपको आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स आपको हैंड वॉश करने चाहिए ठीक है वो शुड बी केयरफुल बैन यूजिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक सिटी जब भी हम कोई मशीन यूज कर रहे हों या हम इलेक्ट्रिक सिटी से यूज कर रहे हों तो हमें केयरफुल रहना चाहिए ताकि हमें किसी भी किस्म का कोई करंट ना लग जाए या मशीन में हाथ ना आ जाए या इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो लाउड नॉइजेज कैन डैमेज आर हेयरिंग वेरी ब्राइट लाइट कैन डैमेज आर साइट ऊंची आवाज़ में जो हम शोर सुनते हैं या ऊंची आवाज़ में अक्सर म्यूज़िक सुनते हैं तो वो हमारे डैमेज कर देता है हमारी हेयरिंग जो हम सुन रहे होते हैं ना फिर हम वो सुन नहीं सकते हैं ठीक है एंड वेरी ब्राइट लाइट जैसे कि अब आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी लाइट बहुत तेज़ होती है और वो सीधी बिल्कुल आँखों में लग रही होती है तो वो क्या है वो हमारी साइड के लिए डेंजरस होती है वो हमारी आइज़ को डैमेज कर देती है नेक्स्ट इज़ वट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर अब आप इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे वी नीड टू लुक आफ्टर आवर बॉडीज़ हमें अपनी बॉडीज़ का ख्याल रखना चाहिए हेल्दी लिविंग रिक्वायर ईटिंग अ balanced डाइट अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें balanced डाइट लेनी चाहिए कीपिंग क्लीन ख़ुद को क्लीन रखना चाहिए गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप रात को सही से सोना चाहिए मतलब कुछ लोग बहुत देर से सोते हैं और बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो वो ठीक नहीं होता आपको रात को टाइम पर सोना चाहिए और सुबह टाइम पर उठना चाहिए एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली और प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए फ़ूड इज़ क्लासीफाइड इन बेसिक फ़ूड ग्रुप अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमने फूड को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर, कर दिया है जो बेसिक फूड ग्रुप्स हैं उनमें हमने उनको क्लासीफाई कर दिया है एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ यू थिंक एंड एक्ट सेंसिबली एक्सीडेंट्स से हम बच सकते हैं अगर हम सोचें और ध्यान से काम लें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और अगर आपने देखा ही नहीं है दूसरी तरफ के रोड के की गाड़ी आ रही है और आपने रोड क्रॉस करना शुरू कर दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले देख लें दोनों साइड पर कि कहीं से कोई गाड़ी कोई कोई, कोई भी किसी भी किस्म का व्हीकल आ तो नहीं रहा फिर आप रोड क्रॉस करें एन एडल्ट शुड बी कॉल्ड इन एन एमरजेंसी जैसे ही कोई एमरजेंसी हो जाए आपको घर में किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी होगी आप देखते हैं आपको घर में किसी को करंट लग गया है या कोई गिर गया है या कोई भी एमरजेंसी होगी तो आप फ़ौरन किसी बड़े को बुला लें ठीक है नेक्स्ट नाउ मूव टू योर पेज नंबर ट्वेल्व योर हैड्स सो दैट वी कैन अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लेट स्टार्ट द रीडिंग मशीन्स वर्क बेटर एंड फॉर लॉन्गर इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली हमारे घर में जितनी भी मशीन्स होती हैं अगर हम जो मशीन मशीन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं और बहुत देर तक काम करती हैं बहुत लंबी चलती हैं लेकिन कब इतनी देर तक वो काम करती हैं अगर हम उनका प्रॉपर ख्याल रखते हैं ठीक है अंडरलाइन दर्ड मशीन बैटर एंड लोंगर इन तीनों वर्ड्स को वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें एंड ऑल्सो प्रॉपरली इन फोर वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें मशीन्स दैट आर नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम रस्टी ऐसी मशीन्स जो कि हम ज्यादा टाइम यूज़ नहीं करते जैसे अगर आपके घर में कोई स्विंग मशीन है सिलाई वाली मशीन है और आपकी ममा ने उसको काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया है तो क्या होता है उसको जंग लग जाता है रस्टी हो जाती है जंग लग जाता है अंडरलाइन वर्ड रस्टी देन नेक्स्ट योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन हमारी बॉडी भी एक मशीन है बट इट कैन मैंड इट सेल्फ अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कोई ख़राबी आ जाती है जैसे अगर हमारा स्टमक सही से काम नहीं कर रहा तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम चेक करवाते हैं तो वो ठीक हो जाता है ठीक है तो हमारी बॉडी एक मशीन है देखिए किस तरह हमारी बॉडी डाइजेशन कर रही होती है फिर सर्कुलेशन का सिस्टम हो रहा होता है आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हमारा एक्सक्रिटरी सिस्टम है ठीक है ये सारे सिस्टम किस तरह हो रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी एक मशीन है इफ़ यू कट यूर सर्व द बाउंड सोन ही इफ़ इट इज़ केप्ट क्लीन अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट लग जाता है तो वो ठीक हो जाता है कैसे ठीक हो जाता है अगर आप उसको डेली दे, उसे साफ़ करते हैं उस पर डेली आप ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है to keep the body working well, we have to look after it properly. अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सही से काम करे, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अपना properly काम कर सकें Underline the word mend.

फ्रेश एयर अगर आप फ्रेश एयर लेते हैं जैसे आप देखें कि आप सारे दिन घर के अंदर ही बैठे रहते हैं आप घर से बाहर नहीं जाते हैं, आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं या इवनिंग टाइम में वॉक नहीं कर रहे तो वो उससे क्या होता है आपको फ्रेश एयर नहीं मिलती है अगर आप फ्रेश एयर लेंगे इनफ स्लीप अच्छे से सोएंगे टाइम पर सोएंगे एंड क्लीन हैबिट्स आप की जो हैबिट्स हैं वो क्लीन होनी चाहिए मीन्स आप अपनी बॉडी को क्लीन रखें आप हेल्दी फूड लेते हैं आप साफ सुथरा खाना खाते हैं दैट दीज आर क्लीन हैबिट्स ये क्या करती हैं दिस ऑल हेल्प द बॉडी टू लास्ट अलोंग इससे हमारी बॉडी एक अच्छे से काम करती है और देर तक काम करती है ठीक है लेकिन अगर आपने खाना ही नहीं खाया आपने एक्सरसाइज ही नहीं की तो आप क्या होगा आप थोड़ी देर बाद थक जाएंगे आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी ठीक है तो ये सब चीजें जरूरी हैं हमारी बॉडी को ज्यादा देर काम करने के लिए अंडरलाइन द वर्ड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज फ्रेश एयर इनफ एंड क्लीन हैबिट्स अंडरलाइन दीज वर्ड्स नाओ मूव टू योर डायरी एंड वट इज़ योर डायरी आपकी डायरी क्या है आपने रीडिंग करनी है पेज नंबर ट्वेल्व की एंड अंडरलाइन द न्यू टर्म्स जो भी आपको न्यू टर्म्स लगती हैं फ्राम द स्टार्ट रिकॉल से लेकर जहाँ तक हमने रीडिंग की है एट द एंड ऑफ पेज नंबर ट्वेल्व आपने इसको चेक करना है इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं या न्यू टर्म्स हैं आपके लिए जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंगाफ़